गए वो जमाने जब पार्टीज में सिर्फ चाय कॉफी या जूसेस सर्व किए जाते थे। खाने में हमारा टेस्ट इतना डेवलप हुआ है तो हम बेवरेजेस में क्यों पीछे रहे? अब लोगों को सिर्फ जूसेस पीना पसंद नहीं है, जमाना है मॉकटेल्स का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ होम गुरु पावर्ड बाय विजय सेल्स। मैं हूं आपके साथ तानिया और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि मिक्सर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों पर आप अच्छे अच्छे मॉकटेल्स कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले गर्मियों के लिए ब्लेसिंग एक मॉकटेल जिसका नाम है समर बेरी कूलर मॉकटेल, उससे शुरुआत करते हैं। यू नो, गर्मियों में जब मन करता है कुछ ऐसा ठंडा पिए जो रिफ्रेशिंग हो, तो ये आएगा टू योर रेस्क्यू। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं वो है 1 बोल ऑफ रास्पबेरी, उसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड लेमनेड है, एप्पल जूस रखा है और स्ट्रॉबेरीज रखे हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते, इसको सीधे ऐड करते हैं हमारे मिक्सर में। यू नो, मिक्सर के साथ आसान ये हो जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते करते, उनसे बातचीत करते करते आप बना सकते हैं मॉकटेल्स। नाउ दिस इज वेरी इजी, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। इनके शुगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्दियर साइड पर रहना चाहती हूँ तो आई एम नॉट एडिंग शुगर। मैंने ये सब कुछ ऐड कर लिया है, यहाँ पर मैंने इसे किया क्लोज और अपने ब्लेंडर को किया रेडी। हियर वी गो एंड हियर वी गो, इट्स रेडी। यहाँ पर हमारा समर कूलर रास्पबेरी इज रेडी। ये मैंने इसे लिया and within no time 4 ready। अच्छा, मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। और अब मैं बातें क्यों कर रही हूँ, आई शुड ट्राई इट। दिस वॉज रियली नाइस, बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट मॉकटेल। अब बनाते हैं अपना अगला मॉकटेल जो री एनर्जाइजिंग है, रिफ्रेशिंग है और फ्रूट से भरपूर है, जिसको हमने नाम दिया है क्विक फ्रूट पंच मॉकटेल। इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहले मैंगो जूस है, पाइनएप्पल है, वनीला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरीज हैं एंड शुगर अगर आप ऐड करना चाहते हैं। अगर थोड़ा हेल्थ वाइज आप कॉन्शियस है तो आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो टू स्टार्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज। यू नो आई लव स्ट्रॉबेरीज, स्पेशली द कलर, एंड बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद होता है स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट। एंड मैंने यहाँ पर ऐड किया है मैंगो जूस प्लस पाइनएप्पल्स, दे स्मेल सो 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 गुड। ये ऐड कर लिए हैं। नाउ सबकी फेवरेट, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, वो है वनीला आइसक्रीम। ये सब मैंने ऐड किया है। अच्छा, अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं शुगर ऐड कर देती हूँ। नाउ इट्स वेरी इजी। अच्छा, मैंने नाम कहा था क्विक फ्रूट पंच, वो क्यों कहा था वो देख लीजिए। And we are done. तो इसीलिए इसका नाम है क्विक फ्रूट पंच मॉकटेल। ओके, ये रेडी हो गया है और मैं इसे करती हूँ ओपन एंड इट्स रेडी टू सर्व। अगर आप चाहें तो आइस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आप गार्निशिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लुक एट दिस, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, अच्छी थिकनेस है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू टेस्ट इट। वाओ, दिस इज़ सो गुड। इसके साथ मेरे समर्स क्या, मेरा हर मौसम सॉर्टेड है। इतने अमेजिंग मॉकटेल्स इसके साथ बन रहे हैं। इसके बाद हम जो मॉकटेल बनाएंगे उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, वर्जिन पीना कोलाडा, वो आके बनाती हूँ। लेकिन तब तक नेक्स्ट टाइम अगर घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मॉकटेल्स के मेन्यूज में एक मॉकटेल का प्राइस ज़रूर चेक करिएगा। वर्जिन पीना कोलाडा वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं। हम बनाने वाले हैं इसी मॉकटेल को, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। कोकोनट मिल्क हमारे पास है, वनीला आइसक्रीम है, गार्निशिंग के लिए हमने पाइनएप्पल को स्लाइस करके रखा है, प्लस पाइनएप्पल जूस है। सो करना कुछ नहीं है, आपसे बातें करते करते सबसे पहले मैंने यहाँ पर जूस ऐड किया। नाउ कोकोनट मिल्क, ये भी हो गया ऐड। अच्छा, इसके लिए मैं किसी रेस्टोरेंट में पैसे नहीं देने वाली हूँ, ये मैं अपने घर पर बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। और अब गेस्ट आएंगे तो उनको जो सिंपल चीज़ें होती है वो नहीं मैं सर्व करूँगी, आई सर्व समथिंग डिफरेंट। तो ये आपसे बातें करते करते मार्केट का एक्सपेंसिव वाला मॉकटेल घर पर रेडी होने वाला है। एंड वी आर डन। सो
ये इज रेडी टू सर्व. आप इसमें किस तरह से गार्निशिंग करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. आइस ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, गर्मियों के दौरान अच्छा लगता है. अच्छा, ये हमने इस तरह से डेकोरेट किया है. नाउ दिस इज रेडी एंड दिस लुक्स डिलिशियस. ओ गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू टेस्ट इट. अच्छा, जो पाइनएप्पल्स चॉप करके रखे थे उससे मैं यहाँ पर गार्निशिंग कर दूँगी. ये ऐड कर दिया है, अच्छा टेस्ट आएगा. एंड नाउ इज द टाइम दैट आई ट्राई इट. तो अब मैं टेस्ट करती हूँ. दिस इज़ अमेजिंग, आई लव इट. आई फील लाइक एन एक्सपर्ट कि इतनी ईजिली मैं इस तरह के मॉकटेल्स बना रही हूँ. एक और मॉकटेल बचा है जो आपके लिए मैं स्पेशली बनाऊंगी, उसके लिए अभी वापस आती हूँ. सो अब बनाते हैं हमारा लास्ट मॉकटेल, जो है एक क्विक पाइनएप्पल एंड मैंगो मॉकटेल, जिसके लिए सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं रेडी. ये है हमारे पास मैंगो जूस, पाइनएप्पल है स्लाइस्ड, उसके अलावा लेमन जूस है, रास्पबेरी सिरप है एंड फ्रेश क्रीम है. What I have to do is add all of them together, जिनको मैं साथ में blend करूँगी. Now मैंने mango juice add किया है. Pineapples are very good, rich in enzymes होते हैं, digestion में help करते हैं. Lemon है vitamin C से भरपूर. Raspberry syrup मैंने यहाँ पर add कर दिया, थोड़े से taste के लिए, color भी अच्छा आता है. Plus fresh cream. So ये बनने वाला है quick mocktail, जो इतना मुझे पता है कि बहुत टेस्टी होगा. और क्विक क्यों बोल रही हूँ मैं इन मॉकटेल्स को, क्योंकि ये बन जाते हैं क्विकली. एंड दिस इज रेडी टू सर्व. ये अभी मैं कर देती हूँ सर्व. ओके, सो अगर इसमें आप आइस ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, शुगर आप ऐड करना चाहते हैं ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट. ये परफेक्ट मॉकटेल रेडी हो गया है. दिस इज़ परफेक्ट, बहुत अच्छा बना है, अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ है, जितने इंग्रेडिएंट्स थे वो बिल्कुल परफेक्ट हैं. आपने देखा हमारा ये वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप मॉकटेल्स कैसे बना सकते हैं अपने ब्लेंडर के साथ. ज़रूर बनाइएगा मॉकटेल्स. लेकिन एक छोटी सी टिप है आपके लिए, वो ये कि जब भी मॉकटेल बनाएं उसमें इंग्रेडिएंट्स किस मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ख्याल रखें, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन मॉकटेल्स. लेकिन अगर मॉकटेल्स बनाने हैं और उसके लिए ब्लेंडर खरीदना है तो जाइए विजय सेल्स, जहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिलेगी अच्छे प्राइस पॉइंट्स पर, वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं. हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं. आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे. तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल. टेक केयर, बाय बाय.